पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए पेड़ों का होना बेहद जरूरी है और अपना पूरा जीवन पेड़ों को समर्पित करने वाले मैथमेटिक्स के एक प्रोफेसर पिछले 35 सालों से पेड़ों के बॉडीगार्ड बने हुए हैं। यही नहीं, यह प्रोफेसर हरियाणा में अब तक हजारों पेड़ लगा चुके हैं और समय समय पर इस बारे में लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं। देखिए, ऐसा है, मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है एनवायरनमेंट में, मेरी PhD मैथमेटिक्स में है और मैं मैथ का ही प्रोफेसर रहा हूँ सारी उम्र। अब तो करीब 15 साल हो गए, रिटायर हो गए। ये लोकल MLN कॉलेज है यहाँ, उसमें मैं वहीं पढ़ा हूँ और वहीं से फिर अब मैं रिटायर हो गया हूँ। मगर मैं 1989 में बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटी में चला गया था फॉरेन टीचिंग असाइनमेंट के तहत डेपुटेशन पे। वहाँ पे मुझे एक जापान से, अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी इजिप्ट से प्रोफेसर आए हुए थे, जिस यूनिवर्सिटी में मैं था मेरी तरह वो भी आए हुए थे, डेपुटेशंस पे थे। तो उनसे गुफ्तगू होती थी, मुलाकात होती, तो वहाँ मुझे थोड़ी मोटिवेशन हुई कि कुछ किया जाना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए सोसाइटी के लिए। जब मैं असाइनमेंट पूरी करके वापस आया तो मैंने देखा कि हमारा इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ सख्त जरूरत है, पेड़ कोई था नहीं, काम जबकि मुश्किल है, बहुत ज़्यादा बजट भी इन्वॉल्व है और गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पे सड़कें तोड़ तोड़ के, फर्श तोड़ के, दफ्तरों में ये पेड़ लगाने का काम है, बड़ा मुश्किल उस टाइम लगता था, मगर वाकई बड़ा मुश्किल है। तो मगर चैलेंजिंग जॉब था, तो मैंने सोचा ये चैलेंजिंग जितना मर्जी हो, ज़्यादा नहीं होगा थोड़ा होगा, मगर आई मस्ट ट्राई इट। तो दैट वे फिर शुरू किया, पहले अपनी जेब से स्टार्ट किया, पहले साल किसी से कुछ नहीं मांगा, उसके बाद एक साल दबा के उन जो भी पेड़ 400-100 पेड़ मैंने पहले साल लगाए थे उनकी परवरिश की 2-3 मोहल्लों में, और वो फिर लोगों को दिखने लगे, भाई ये ऐसे करके कोई कर रहा है कुछ। उस मेरे को जानता कोई था नहीं, मैं जाता था आता था, मेरे पास 1982 की बुलेट का मॉडल है, मैं उसी पर जाता था, वो पानी पुनी दे के कुटाई करके आ जाता था। तो उनको तो शायद ये रहा होगा, तब ये फॉरेस्ट का कोई आदमी है या म्यूनसिपल्टी का है, उनको पता भी नहीं था ये प्रोफेसर है, मैं नया था शहर में कोई, उस टाइम बहुत वो ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। तो बस वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को पता लगा, वो मोहल्ले जुड़ना शुरू हो गए और जुड़ते 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 फिर अब ये हरियाणा लेवल पर हो गया, 4 जिलों में काम हुआ है और 2 में तो इंटेंसिवली हो ही रहा है अभी भी, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में। तो बस ऐसे चल रहा है, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारी टीम है 15,000 के करीब, इसमें किन्नर वर्ग के लोग भी शामिल है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बाकी बच्चे हों के, बूढ़े हों के, लेडीज़ हों, NRIs हैं मेरे अपने स्टूडेंट्स, पता नहीं हजारों निकल गए हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके नाम से, उनके बच्चों के नाम से भी पेड़ लगते हैं। और वो तो ऑफकोर्स नहीं आते यहाँ पेड़ लगाने देखने, पर मैं उनको कहता हूँ कि तुम जहाँ से पढ़ के गए हो, तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा कर्ज है इस जगह के प्रति अपना, अगर हो सके तो भाई लौटा दो वापस, ज़बरदस्ती तो कोई है नहीं, वो जिनकी बात समझ में आ जाती है वो कंट्रीब्यूट कर देते हैं, हम उनके नाम से जितने पेड़ वो कहते हैं लगा के। हमारा पेड़ लगाने का तरीका अजीब सा है, हम ऐसा नहीं है कि पेड़ लगा दिया और फ़ोटो खिंचवा के घर आ गए, फ़ोटो की हमें कोई चिंता नहीं है, तभी आप 35 साल का फील्ड वर्क करने के बाद आप अब आए हो, नहीं तो फिर 5 साल पहले ही 5 साल ही काम करने के बाद आ जाते। वो हम पेड़ को लगा के 5 साल तक उसकी परवरिश करते हैं, लगाते टाइम उसको लोहे के जंगला की प्रोटेक्शन देते हैं, डोनर की नाम प्लेट लगाते हैं और उसमें बकायदा हमारे पास यहाँ भी कुरुक्षेत्र भी मालियों की टीमें हैं, ट्रैक्टर हैं, टैंकर हैं, ट्राली हैं, मोटरसाइकिलें हैं और रिक्शा रेड, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, नर्सरीज हैं दोनों जगह। तो बकायदा रेगुलर 24/7 राउंड द ईयर हम उनकी लुक आफ्टर करते हैं और जब तक पेड़ मैच्योर ना हो जाए तब तक हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, उसको मैच्योर करके छोड़ते हैं। और यही वजह है कि यमुनानगर, आपने भी देखा होगा कि करीब करीब 95% शहर, चाहे कोई अब गवर्नमेंट का ऑफिस का कॉम्प्लेक्स हो के प्राइवेट हो के स्कूल हो के कॉलेज हो के गलियां हो के सड़कें हो के बाज़ार हो के मोहल्ले के पार्क हो के शमशान घाट हो के मंडियां हो, कोई भी जगह हमने नहीं छोड़ी जहां पेड़ केवल लगाए नहीं है, लगा के बड़े जंगल हो रहे हैं लोगों को, बल्कि कई जगह तो म्यूनसिपल्टी को खासकर प्रॉब्लम हो जाती है कि यार हम अपने बोर्ड लगवाएं, लोगों की ऐड आती है, वो कहां लगाए, तुमने सारी जगह तो ब्लॉक कर दी। तो हम उनको कहते हैं ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये पब्लिक की प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक को सांस लेना है,
जिंदा रहना है और आप अपना काम आप देखो, कोई और वे आउट आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स के तरीके हैं वो अडॉप्ट करो। तो ऐसे चल रहा है, लोग कंट्रीब्यूट करते जाते हैं, हम करते रहते हैं, बस यही तरीका है। हम मरने नहीं पेड़ को देते, स्टैंड बाई अरेंजमेंट रखते हैं, ट्री गार्ड भी रखते हैं स्टैंड बाई, कोई मर जाए, टूट जाए, कोई चोरी बहुत होते हैं, स्टील ट्री गार्ड लगा रहे हैं। सरकार की तरफ से बता रहे थे कुछ मदद? सरकार की तरफ से कभी 35 साल में किसी ने भी एक छोटा पैसा भी हमें नहीं दिया। सिर्फ एक जो आज की डेट में हरियाणा के एनवायरनमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं चौधरी कंवरपाल जी, तो उन्होंने एक बहुत मेहरबानी करी है, 10 साल से करीब वो इस इलाके में नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो और पर चांस एनवायरनमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री भी उनके पास है एंड ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ग्रीनरी, तो वो ज़रूर हमारी मदद कर रहे हैं। इन करीब दस साल में उन्होंने 11-12 लाख रुपया सोसाइटी को कंट्रीब्यूट वो डोनेट किया, वो हेल्प की है हमारी, और पिछले साल बल्कि इस 11-12 लाख ये इसलिए हो गया कि 4 लाख रुपया तो पिछले साल एक नया ट्रैक्टर चाहिए था हमें कुरुक्षेत्र के लिए, तो वहाँ के लिए ग्रांट दी उन्होंने, तो बस ये ग्रांट मिली है और बाकी तो लोगों से पैसा लेके उन्हीं के नाम से हम पेड़ लगा के उसकी परवरिश करते हैं। एक आप एम्बुलेंस की बात कर रहे थे, एम्बुलेंस ये है कि जो हमारा किन्नर वर्ग है जैसे मैंने कहा वो जुड़े हुए हैं, लाडवे से रमेश कुमारी है, अब तो पिछले साल कैंसर से डेथ होगी उनकी, तो उन्होंने अपनी पुरानी एम्बुलेंस दे दी थी हमें, जब मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि आप अफोर्ड कर सकते हो नई ये पुरानी हमें दे दो, तो उसकी हमने ग्रीन एम्बुलेंस बना लिया था, वो जहाँ कहीं एमरजेंसी अटेंड करने का काम होता है इमीडिएट, हम उससे एमरजेंसी अपनी अटेंड कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट एड होती है, कोई जंगले को टक्कर मार दी, नया जंगला रिप्लेस करना, या कोई पेड़ तोड़ दिया, कुछ हो गया, तो वो एमरजेंसी अटेंड कर लेते हैं उससे, तो वो किन्नर वर्ग की ही देन है जी। शोक सभा भी की जाती है? शोक सभा अब लोग काट देते हैं, प्रशासन का एक हमें बड़ा दुख है कि कोई पेड़ काट देता है हरा भरा अपने स्वार्थ के लिए, तो प्रशासन पे हम कंप्लेंट करते हैं कि कोई बॉदर नहीं करता, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम अपना दुख कैसे प्रकट करें, फिर हम उस जगह पे वो जो ठुंड होता है वहीं पे पंडित बुला के और वहाँ शोक सभा करते हैं, क्रियाकर्म करते हैं उसका, और उससे हम ये सोचते हैं कि शायद प्रशासन जाग जाए, कुछ शर्म आ जाए, मगर हमें नहीं लगता कुछ हो। और ये इसके लिए तो हम बल्कि 2005 में परेशान होके मैंने PIL डाली थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कि हरियाणा में चंडीगढ़ दिल्ली और गोवा वगैरह की तर्ज पे ट्री प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए इनहेबिटेंट इलाकों में, शहरों में विद इन MC लिमिट्स, तो हाई कोर्ट ने मेहरबानी करी तो हमारी PIL के को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस इशू कर दी म्यूनसिपैलिटीज़ को थ्रू आउट द स्टेट हरियाणा कि भाई ये पेड़ को बचाना तुम्हारी जिम्मेवारी है और ये पेड़ हरे भरे पेड़ बचाए जाना चाहिए, मगर अब तक उस पर कोई प्रैक्टिकल रूप से अमल नहीं हुआ। फिर 2016 में हमने लोकायुक्त हरियाणा में उसी को फैसले को लेके हम वहाँ गए कि जी ये लागू नहीं हो रहा है, और लोकायुक्त हरियाणा में ने भी पिछले साल फैसला अपना दे दिया है कि भाई इसको लागू करो और बंदा कोई ऑफिसर को नियुक्त करो जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और के भाई और जवाबदेही हो, तो वो कागज़ों में तो मेरे ख्याल में हमें पता लगा है कि उन्होंने नाम नूम किसी का लिख रखे हैं यही का या किसी एक्शन के, मगर फील्ड वर्क जब हम कंप्लेंट करते हैं तो हमें यही नहीं वहाँ पता लगता भी हम कंप्लेंट करें तो करें किसको, तो ये दिस इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। तो मेरी तो अपील यही है कि वो दिल्ली और चंडीगढ़ की तरह जैसे वहाँ इंडेपेंडेंट एरिया में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट इफेक्टिवली लागू है उसकी हूबहू कॉपी यहाँ हरियाणा के MC एरिया में भी होनी चाहिए ताकि ये पेड़ बचे रहे, और नहीं तो जितने आगे से लग रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोग देखा देखी जब एक्शन नहीं हो रहा किसी को पनिशमेंट नहीं हो रही है तो फिर गलत काम को तो आदमी एकदम चल जाता है ना, निडर होके करने लगता है, तो फिर ये नुकसान अल्टीमेटली सोसाइटी का ही होगा, पब्लिक का ही होगा। ये मेरी अपील है कि गवर्नमेंट को इसकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए, और दूसरी अपील मैं ये करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि HES जो हमारी सोसाइटी है हरियाणा एनवायरमेंटल सोसाइटी, इसका 35 साल का टाइम टेस्टेड ये एक हमारे पास टाइम टेस्टेड एक ये मॉडल तैयार हो चुका है ट्री प्लांटेशन विद द हेल्प ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन विदाउट नो हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट मशीनरी,
तो ये मॉडल हमारा स्टडी कराए गवर्नमेंट, और इसको स्टडी करके लागू कराए और जगहों पे भी, हमें कहे हम जाके थ्रू आउट द स्टेट सब जगह हम जाके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसी है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट ले। बस यही मेरी अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। किसी शायर की यह मशहूर पंक्तियां डॉक्टर सैनी के प्रयासों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। डॉक्टर सैनी का कहना है कि जब तक सरकार दिल्ली और चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा में भी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट सख्ती से लागू नहीं करती, तब तक हरियाली के दुश्मनों की कुल्हाड़ी को रोक पाना बेहद मुश्किल है।